लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 का। अब हमारे सामने क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ बचा है इस एक्सरसाइज का, फिर एक्सरसाइज हमारी 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका हम क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं, क्वेश्चन थ्री। इसके भी कुछ पार्ट्स हैं जो कि बहुत ईजी हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हमें एक सीक्वेंस दे दिया और बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस हमें जितने भी सारे सीक्वेंसेस में दिए हुए हैं ये सारे के सारे एपी के अंदर है, सारे के सारे समांतर श्रेणी में हैं, तो हमें इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी पहला पद और इसका सार्वंतर निकालना है। तो हम अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी देख चुके हैं और लास्ट वीडियो में भी हमने देखा है कि कैसे इसका पहला पद और सार्वंतर ज्ञात किया जाता है। तो करते हैं, फर्स्ट पार्ट है जो हमें एपी दी हुई है 3, 1, -1 एंड -3 एंड सो ऑन। यह हमें गिवन एपी है हमारे सामने। तो हमें पता है कि एपी का जो पहला पद होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, ए कहलाता है। तो ए तो हमारा 3 हो गया इसके अंदर, इसमें कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उसने हमको बोला है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का हमें बहुत अच्छा आसान तरीका पता ही है कि अगर हमें पता है कि ये एपी है, तो अगर एपी है तो इन दोनों टर्म्स के बीच का सिर्फ हमें डिफरेंस चाहिए, तो इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, यानी ये हमारी A2 होगी, ये हमारी A1 होगी। तो A2 - A1, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कॉमन डिफरेंस। तो A2 हमारी 1 - 3, तो D हमारा आ गया 1 में से 3 जा नहीं सकता, इसलिए हम 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो बड़ा होता है उसके साथ हम जो भी साइन होता है वो लगा देते हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सार्वंतर हमारा -2 आ गया। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि हमें एक एपी दिए -5, -1, 3 एंड 7। ये एक एपी हमें दी हुई है, बोल रहा है इसका भी ए निकालिए और डी निकालिए। तो ए हमें पता ही है, ए कितना हो गया, जो भी फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा ए होता है। और डी के लिए हम क्या करते हैं, A2 - A1। आप चाहें A3 - A2 भी कर सकते हैं, A4 - A3 भी कर सकते हैं, हमने ये इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। तो इसमें भी डी निकालने के लिए हम A2 - A1 कर देते हैं, तो जो डी की वैल्यू आएगी -1 - यहाँ पर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा के हमें A1 लिखना है और A1 हमारा -5 है। तो -1, ये माइनस प्लस हो गया, तो -1 और +5 कितना हो जाएगा, +4 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 4 और ए की वैल्यू आ गई हमारी -5, ये रही हमारे सामने। उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। अगर कोई चीज़ एपी है तो उसके लिए 3 टर्म इनफ होती हैं उसका ए डी वगैरह निकालने के लिए, 2 टर्म से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो कहना चाह रहा है कि अब इसमें हमसे ए डी पूछा है। तो ए तो हमारा 1/3 हो गया, जो भी फर्स्ट टर्म होती है वही हमारा ए कहलाता है। उसके बाद बोल रहा है डी निकालिए, तो डी सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी A2 - A1 करूँगा, तो 5/3 - 1/3। अब कुछ बच्चों को जो फ्रैक्शन होती है उसमें सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम एक बार इसको यहाँ देख लेते हैं कि 5/3 या में से जब हम 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इन दोनों जो नीचे टर्म्स होती हैं जो डिनोमिनेटर में होता है, जो हर में होंगी संख्या, उनका पहले हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इस 3 को देखेंगे, ये 3 पर कितने पर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। तो 3 के टेबल में 1 पर आता है। अब ये जो 1 है इसको उस ऊपर वाले न्यूमरेटर यानी 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, ये माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा यहाँ। फिर इस 3 को इस 3 पर देखेंगे कि कितने से ये डिवाइड हो रहा है या कितने पर ये कितने पहाड़े पर आ रहा है, तो 3 × 1 = 3 होगा, तो ये भी 1 पर आ रहा है और इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या बच गया, 5 - 1 = 4 और नीचे हमारा 3, तो 4/3 इस तरीके से आता है। तो यानी हम जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू 4/3 आ गई। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि एक एपी है 0.6, 1.7, 2.8 और कुछ भी हो सकती है। तो ए पूछ रहा है आपसे, तो ए तो हमारा डायरेक्ट जो फर्स्ट टर्म होती है वही ए होता है हमारा, 0.6 हमारा ए आ गया। अब डी के लिए हमें क्या करना है,
ए टू माइनस ए वन करना है या फिर ए थ्री माइनस ए टू करना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ए टू माइनस ए वन कर लेते हैं, 1.7 माइनस 0.6। अब इस पॉइंट वाले सिस्टम में भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो 1.7 और अगली टर्म है 0.6, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 6, तो 7 में 6 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 यहीं रहा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारा 1.1। इज इट क्लियर? क्वेश्चन 4 को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 देख लेते हैं एक बारी। तो क्वेश्चन 4 के अंदर इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ए पीज। तो हमें पहले ये जो सारे सब पार्ट्स दिए हुए हैं इनके अंदर पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ये चेक करने के बाद वो बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो हम डी निकाल लेंगे, यानी डी निकालना तो हमारे लिए ईजी है, यानी जो ए पी आ गई। अब हमें सिंपल इसके अंदर क्या करना है, उसकी फर्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखना है, दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस। फिर उसने इसके अंदर एक चीज़ और पूछी हमसे कि आगे के तीन टर्म्स और लिखिए, यानी अगले तीन पद और लिख लीजिए। जैसे इस एपी के अंदर हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो आगे के तीन टर्म और कौन से होंगे, इसके आगे के तीन ब्लैंक और मैं छोड़ दूं तो मेरे आगे के तीन टर्म्स होंगे, यानी ये मुझे ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर दिया हुआ है। अब मुझे तीन टर्म्स और निकालने, तो ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन मुझे निकालना होगा। ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं इसके सब पार्ट्स तो नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स जो इम्पॉर्टेंट है वो करा दूंगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसको आराम से कर लोगे। तो जैसे हम फर्स्ट पार्ट ही डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ईजी है, 2, 4, 8 एंड 16, और आगे इस सीक्वेंस को ऐसे कैरी ऑन किया हुआ है। तो फर्स्ट थिंग जो इसके अंदर हमें करनी है, हमें ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमें पता है समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हम बेसिकली क्या निकालते थे, डी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते थे। तो 4 माइनस 2, ये हमारा ए टू माइनस ए वन करेंगे, 4 माइनस 2 दैट इज 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते थे, तो 8 माइनस 4, तो ये वाला जो डी निकलेगा 8 माइनस, यानी ए थ्री माइनस ए टू, तो डी क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज़ डिफर कर गई, जब दोनों वैल्यू ये अलग अलग आ गई तो ये हमारी ए पी नहीं है, ऐसा हम इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। तो ये हमारी एपी नहीं है, और जब एपी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ना हमें इसके आगे के तीन टर्म्स निकालने हैं और ना ही हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। इज इट क्लियर? फिर अगला देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हम सीधा सीधा जज कर सकते हैं कि ये ए पी है। देखो फर्स्ट टर्म है 2, अगला है 5/2, और 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.5, है ना, 5/2। तो ऑब्वियस सी बात है 5 हम अंदर रखेंगे, 2 बाहर रखेंगे, 2 से 2, 4, 1 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0, और 2 5 10, याद होगा ऐसे हम जब छोटे थे तब क्या करते थे, है ना, तो आज बचपन फिर याद आ गया। ये हमारा 3 हो गया, और इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे इस तरीके से किया हमने, ऐसे ही 7/2 को भी जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा। अब आप इसको साफ ही जज कर पा रहे होंगे कि सब में 0.5 का डिफरेंस है, यानी जब मैं डी निकालूंगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगा, तो डी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0.5। ऐसे ही इन दोनों के बीच की जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो डी की वैल्यू क्या आने वाली है, 0.5। तो जाहिर सी बात है जब हमारा डिफरेंस सेम आता है तो वो हमारी ए पी होती है। तो ये हमारी ए पी है, इट इज़ एन ए पी। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इसका, 0.5, यानी इनको माइनस करके दिखा देते हैं, 5/2 - 2। तो इसको वापस से एलसीएम ले लो या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 एलसीएम आएगा, 5 माइनस, इसके नीचे 1 है तो 2 से 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 4। क्लियर? तो 5 - 4 1/2, और 1/2 को ही हम 0.5 बोलते हैं। यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। इज इट क्लियर? अब उसने हमसे इस क्वेश्चन के अंदर एक बात और पूछी है कि अगर ये ए पी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखिए। तो हमें कितने टर्म्स दिए हुए, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फोर तक हमें दिया हुआ है। तो अब हमें पता लग चुका है कि ये ए पी का ए जो है हमारा 2 है और डी 0.5 है। तो अब हमें इसके 3 टर्म्स और निकालने हैं, यानी ए फाइव, ए सिक्स और ए सेवन निकालना है। तो ए फाइव निकालने के लिए हम ए फाइव को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस
4d, ये सभी को पता होगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारी है 2 प्लस 4, और जो d की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 0.5। तो 2 प्लस 4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 20, और हमें एक के बाद पॉइंट लगाना होगा, तो 2.0, तो इट विल बिकम, और 2.0 हमारा 2 के ही बराबर होता है, 2 2 प्लस 2, दैट इज़ 4। अब उसके बाद हम ए 5 निकालने के बाद हम देखते हैं कि हमें ए 6 कैसे निकालना है। तो ए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5d। तो ए की वैल्यू हमारी 2 है प्लस 5 इंटू में डी, डी हमारा दोबारा 0.5 है जो कि हम निकाल चुके हैं, है ना। तो ये 2 प्लस 5 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2.5। तो 2 प्लस 2.5 यू विल गेट 4.5। अब उसके बाद हमें a7 निकालना है। a7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 6d लिख सकते हैं इसको। तो a की वैल्यू हमारे पास अगेन 2 प्लस 6, और d की वैल्यू अगेन 0.5। 2 प्लस 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3.0, और 3.0 हमारा 3 के ही इक्वल होता है, 2 प्लस 3 दैट इज़ 5। अब हमारी जो AP है यानी लास्ट थ्री टर्म्स जो हमारे आ गए, तो वो क्या हो गया, 4, 4.5 एंड 5। और हम यहाँ से जज भी कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म था यानी पहला पद जो है वो 2 है, अगला 5/2 यानी 2.5 है, तो 2, 2.5, 3, 3.5, 4 ऐसे ही 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, इस तरीके से ही हमारा सीक्वेंस चलता रहे। तो इसके हम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट कर चुके हैं। अब थर्ड पार्ट एंड फोर्थ जो पार्ट है इसका, वो बहुत इजी है, आप लोग उसको इजीली कर लेंगे। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। एक बारी फिफ्थ पार्ट हम देख लेते हैं इसका, कि फिफ्थ पार्ट में क्या कहना चाह रहा है। ये देख लीजिए, इसका फिफ्थ पार्ट जो है 3 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे हम। तो ये दिया हुआ है आपको फर्स्ट 3 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, इस तरीके से ये एपी जा रही है। तो इतना तो हम खुद ही जज कर पा रहे होंगे कि 3 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट, यानी √2 √2 इंक्रीज़ हो रहा है सिर्फ इसके अंदर, है ना। और जब कोई सेम डिजिट यानी कोई फिक्स्ड नंबर जब किसी सीक्वेंस के अंदर इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, तो हमें पता है वो हमारी एपी होती है, समांतर श्रेणी होती है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि √2 √2 √2 ही आगे इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो ये हमारी एपी, इतना हम जज कर पा रहे हैं। लेकिन हमें वाया पेन इसको प्रूव करके दिखाना है, तो हमें क्या करना है, डी निकालना पड़ेगा इसका। तो डी कैसे निकालेंगे, a2 - a1, और a2 कितना है हमारा, 3 प्लस √2, और माइनस में क्या रखेंगे, a1, और a1 कितना है, 3। अब आप देख पा रहे होंगे ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारा, सिर्फ √2। तो डी क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो अभी तो हमारा ये वेरीफाई होने की ये ए पी है, यानी अब हम डी के लिए क्या करेंगे, a3 - a2 भी करेंगे, और a3 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस a3, 3 प्लस √2। अब इस 3, ये माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गए, अब क्या बचा, 2 √2 माइनस √2। अब देख सकते हैं हम, जो √2 वाला होगा वो हमेशा √2 वाले में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 2 √2। अब जो रूट वाले हों उनको आप x, y, p कुछ भी कांस्टेंट कंसीडर कर लिया करो। जैसे अगर मैं √2 को x मान लूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, अब अगर मैं रफ में करके दिखाऊँ, जैसे 2 √2 - √2 है, अगर मैं बोलूँ कि √2 को मैं x मान लूँ, y मान लूँ, कुछ भी मान सकते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2x - और √2 को मैंने क्या माना, ये भी x, तो 2x यानी 2x में से 1x गया, तो 2x में से अगर 1x गया तो कितने x बचे, सिर्फ एक ही x बचेगा। इज़ इट क्लियर। तो इसी तरीके से 2 √2 में से अगर √2 कैंसिल माइनस करेंगे हम, तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ भी d√2 आया था और यहाँ भी हमारा d√2 ही आया था। ऑब्वियसली बात है, इट इज़ एन AP, तो ये हमारी AP है। और जब अगर AP है तो उसने बोला कॉमन डिफरेंस निकाली, और हम कॉमन डिफरेंस निकाल चुके, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, √2। अब उसके बाद बोला इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखिए, तो हमें इसने चार टर्म्स तो दिए ही हुए हैं,
यहाँ पर 3 प्लस 3 रूट 3 भी गिवन है सवाल के अंदर। तो आपसे 4 टर्म्स दिए हुए, A5 पूछ रहा है, A6 पूछ रहा है और A7 पूछ रहा है। तो A5 क्या होता है, A+4D। तो A की वैल्यू क्या है, 3। A हमारा 3 है ना, यहाँ पर जो भी फर्स्ट टर्म होता है हमारा यही तो A कहलाता है ना। तो A+4D और 4 इंटू में D, D कितना है हमारा √2। तो देखो आ गया ना 3 प्लस, और कांस्टेंट को रूट वाले किसी भी कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एज इट इज ही रहता है, ये 4√2 ही रहेगा। इज इट क्लियर, 3 + 4√2 आ गया। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है, A6 निकालना है। तो A6 को क्या लिख सकते हैं हम, A+5D, और A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 + 5, और D की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2। तो ये हमारा आ गया 3 + 5√2। इसी तरीके से अब A7 निकाल दीजिए। A7 हमारे पास क्या है, A+6B, और A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 + 6 इंटू में √2। तो 3 + 6√2, बस हद से हद इसके अंदर हम कॉमन ले सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे AP के नेक्स्ट टर्म्स आ गए। तो AP लिख करके दिखा दीजिएगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसने हमसे नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछे थे और हम वो निकाल चुके हैं। आई होप यू गॉट इट। तो ये हमारा 5th पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 6th, 7th, 8th, ये पार्ट्स इजी हैं, इनमें आपको सिर्फ इतना चेक करना है, पहले AP चेक कर लीजिए, अगर AP है तो आप इसके आगे 3 टर्म्स और निकाल दीजिए। 8th पार्ट के बाद हम देख लेते हैं 9th पार्ट, 9th पार्ट 1, 3, 9, ये AP है या नहीं, ईजीली इसको भी जज करना, ये भी आप कर पाएंगे। कोई डाउट आता है तो आई विल बी देयर फॉर यू। उसके बाद 10th पार्ट देखते हैं एक बार हम। तो 10th पार्ट में क्या कह रहा है वो, इसका 10th पार्ट, A, 2A, 3A, 4A, इस तरीके से हमारे सामने कोई AP है। तो अब ऑब्वियसली बात है, A अगर आपको किसी टर्म को समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है तो आप उसको X मान लिया कीजिए। तो ये X है, ये 2X है, ये 3X है, ये 4X है ना। तो अब हमें क्या करना है, पहले इसको हमें सिर्फ इतना पता करना है कि ये AP फॉर्म कर भी रही है या नहीं। तो AP के लिए हमें क्या निकालते थे हम, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर निकालते थे। तो A2 - A1 करते हैं हम उसके अंदर, और A2 हमारे इस बार है 2A- और A1 हमारा A है। तो 2A, 2A में से अगर एक A गया, इसको आप 2 एप्पल समझ लीजिए, 2 मोबाइल समझ लीजिए। अगर दो सेब में से अगर एक सेब गया तो एक ही सेब बचेगा ना, तो एक सेब, और सेब क्या है हमारा, A, ठीक है ना, 2 एप्पल। तो इस तरीके से हमारा D आ गया A। अब D निकालने का हमारा दूसरा तरीका क्या होता है कि A3 - A2 कर सकते हैं हम। तो A3 यानी 3A है और -A2 क्या है, 2A है। तो इस बार 3 एप्पल में से 2 एप्पल गए तो वी विल गेट ओनली 1 एप्पल। इज इट क्लियर, और 1 एप्पल को हम सिर्फ A ही लिखेंगे। तो हमें क्या दिखा कि यहाँ और D और यहाँ पर D, दोनों में जो D आया हमारा वो एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब ये एक AP फॉर्म कर रही है। अगर AP फॉर्म कर रही है तो इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स हमें दी हुई हैं, लास्ट 3 टर्म्स निकालनी है, A5 निकालना है। तो A+4D लिख सकते हैं इसको, और A की वैल्यू हमारे पास A बराबर हमारा A ही है, आप देख सकते हैं इसमें। तो A+4 और D की वैल्यू हमारे पास, D हमने ये निकाल रखा है, A है। तो A+4 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 4A। तो A+4A यानी 1 एप्पल प्लस 4 एप्पल, वी विल गेट 5 एप्पल्स। इज इट क्लियर नाउ। तो नेक्स्ट A6 निकाल लेते हैं। A6 निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे इसको, A+5D लिख सकते हैं, और A हमारा A ही है, प्लस 5 इंटू में D, D की वैल्यू हमें A दी हुई है अभी हमने निकाली। तो A+5 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5A ही रहेगा, A+5 = 6A। अच्छा, किसी भी कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं, ये बात आपको आई होप पता होगी। उसके बाद हम निकालते हैं A7। तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A+6D। तो A+6D, और D क्या है हमारा वापस A। तो A+6A, दैट इज A+6A, यानी 1 एप्पल + 6 एप्पल = 7 एप्पल। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा AP हैं, उनमें मोस्टली जो पार्ट्स हैं उनकी AP फॉर्म नहीं कर रही है, तो आप उनको देख करके डरिएगा नहीं कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है 11th पार्ट, एक बार देख लेते हैं 11th पार्ट को। A A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, इसको
हम अपने जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसके अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके के पार्ट्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो 11th के अंदर ही हमसे बोल रहा है कि एक सीक्वेंस है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 6 7 इस तरीके से कोई सीक्वेंस जा रहा है, तो हमें डी निकालना पड़ेगा। और डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए ए टू माइनस ए वन करेंगे। और ए टू क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस ए वन, ए वन क्या है हमारा ए। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम हद से हद इसमें कॉमन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो डी हमारा यही रहेगा। उसके बाद जब हम डी इधर से निकालेंगे, ए थ्री माइनस ए टू करेंगे, तो ए थ्री हमारा ए क्यूब है यानी ए की घात 3, और यहाँ पर ए की पावर 2 यानी ए टू हमारा है, और ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम नहीं है, इसलिए ये हमारी ए पी नहीं है। इज़ इट क्लियर? अब उसके बाद हम अपना अगला पार्ट और देख लेते हैं। अगला पार्ट रूट टू, रूट एट, रूट 18 और रूट 32। ये थोड़ा सा पार्ट बच्चों को टफ लगता है, लेकिन इसमें कुछ इतना टफ है नहीं। तो हमारा फर्स्ट टर्म है रूट टू, अगला है रूट एट, रूट 18 एंड रूट 32। इनने फर्स्ट फोर टर्म्स दे दी और आपसे बोल रहा है कि चेक कीजिए कि ए पी है या नहीं। तो इनको जो जितने भी ये रूट के अंदर है आप देख पा रहे होंगे, ये जो वर्गमूल में हैं, इनको हमें पहले क्या कर लेते हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने का तरीका आपको पता होगा, इनको हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी 8 को इस तरीके से लिखेंगे 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, और जो इनका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाते हैं। तो इसमें से एक ये पेयर बन गया, ये जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, तो ये एक तो बाहर आ जाएगा वर्गमूल से और एक अंदर ही रहेगा, ये रूट 8 की बराबर है। इज़ इट क्लियर? ये हमने कई बार आपने पहले बचपन में भी पढ़ा होगा, इसको 6th 7th से ही ये स्टार्ट हो जाता है। तो 2√2 लिख सकते हैं, यानी पहला टर्म है हमारा रूट 2 और दूसरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, हम 2√2। ऐसे ही रूट 18 को आप बाहर निकाल लीजिए, तो रूट 18 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, तो इसका पेयर बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम 3, और इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के ही अंदर रहेगा, 3√2। ऐसी 32 को आप करेंगे तो 32 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4 एंड अगेन 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। तो देखिए इसमें एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, तो एक पेयर में से तो ये बाहर आ गया, एक ये, तो 2 2, लेकिन ये अंदर ही रहा और इनकी मल्टीपल होगी, तो 2 2 ज़ा 4√2। तो हमारा सामने ये क्या आ गया, 4√2। तो ये हमारी जो टर्म आई है 4√2, इस तरीके से हमारी ये AP आगे चल रही है। तो अब हम इसको खुद भी जज कर सकते हैं, ये रूट टू को आप एक्स मान लो, एप्पल मान लो, मोबाइल मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये अगर मैं रूट टू का एक्स मानूँ, एक्स उसके बाद 2x 3x 4x, इसमें एक्स का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, यानी एक एक टर्म बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक AP है, लेकिन फिर भी हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है, तो डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकाल लेते हैं, ए टू माइनस ए वन, तो 2√2 में से हम रूट टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रूट 2√2 यानी 2 apple minus 1 apple, एप्पल 1 apple बचेगा, 2x minus x x बचेगा। क्लियर? ऐसे ही हम a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 3√2 में से 2√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 3x minus 2x, सिंपल x यानी कि √2 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर टर्म्स हमारी सेम आ रही है, यानी d जो है कॉमन डिफरेंस वो हमारा सेम आ रहा है, और d सेम आ रहा है तो इट इज़ एन AP, ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। तो अब हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने, a5, और a5 का हम क्या लिख सकते हैं, a+4d, और a हमारा क्या होता है, जो भी फर्स्ट टर्म होती है AP की, यही हमारा a होगा, ये वाली फर्स्ट टर्म दैट इज़ a। तो a की वैल्यू हमारे पास √2 + 4 इंटू में d, d की वैल्यू क्या है, √2, ये d की वैल्यू हम निकाल चुके ऊपर, तो ये √2 + 4 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2 ही आएगा, तो √2 + 4√2 यानी x + 4x कितना होगा, 5x, तो 5√2। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखते हैं हमें a6 निकालना है, और a6 को क्या लिख सकते हैं, हम a+5d, तो a की जगह अगेन √2 पुट करेंगे प्लस 5, और d की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
रूट टू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो रूट टू प्लस फाइव रूट टू हमारा क्या हो गया, सिक्स रूट टू। तो अब हम निकालते हैं ए सेवन। ए सेवन के लिए हम क्या कर लेते हैं, ए सेवन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सिक्स डी। ए की वैल्यू हमारी रूट टू प्लस सिक्स और डी की वैल्यू हमारी रूट टू। तो रूट टू प्लस सिक्स रूट टू, सेवन रूट टू। तो ये हमारा एक पार्ट और हो गया, यानी ट्वेल्थ पार्ट। इसके टोटल फिफ्टींथ पार्ट हैं। अब इसके बाद थर्टीन पार्ट, फोर्टीन पार्ट और फिफ्टीन पार्ट, ये तीन पार्ट भी हम देख लेते हैं, ये अक्सर समझ नहीं आते हैं। तो इसका जो थर्टीन पार्ट है वो हम देख लेते हैं। ये रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट नाइन एंड रूट ट्वेल्व, इस तरीके से रूट फिफ्टीन, रूट एटीन, ऐसे कोई सीक्वेंस दिया हुआ है। बोल रहा पहले चेक कीजिए कि एपी है या नहीं। तो एपी अगर मुझे चेक करनी है तो डी निकालना पड़ेगा, और डी निकालने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रूट सिक्स माइनस रूट थ्री। अब आपको पता होगा जो रूट सिक्स है, जब मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा रूट से निकालने के लिए, टू थ्री थ्री वन, तो ना तो टू का पेयर बन रहा है। जब दो पेयर बनते हैं, अगर यहाँ पे टू टू दो बार होता तभी तो वह बाहर आता है, या थ्री दो बार होता तभी तो उसका पेयर में से एक बाहर आता, लेकिन यहाँ पर दोनों का ही पेयर नहीं बन रहा। तो यानी रूट सिक्स ही रहेगा और रूट थ्री भी रूट थ्री ही रहेगा। तो ये रूट सिक्स और रूट थ्री, ये दोनों की दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों कांस्टेंट होते हुए भी एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं इसको एक्स बोलूँ तो ये वाई होगा, क्लियर है। तो एक्स में से कभी वाई सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये एज इट इज़ लिखे रहेंगे। तो यानी डी की वैल्यू इसमें यही रहेगी। ऐसे ही इसको करूँगा तो रूट नाइन माइनस रूट सिक्स, यानी ए थ्री माइनस ए टू किया तो रूट नाइन माइनस रूट सिक्स। अगेन रूट नाइन में से रूट सिक्स नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, हालांकि रूट नाइन को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, थ्री 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 वन। तो देखो इसका पेयर बन गया, तो ये तो बाहर आ जाएगा थ्री माइनस रूट सिक्स, लेकिन ये थ्री में से रूट सिक्स सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। रूट वालों को अगर मैं एक्स मान लूँ, वाई मान लूँ, कुछ भी हम वेरिएबल मान सकते हैं, तो थ्री में से एक्स सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी डिफर है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एन ए पी। आई होप यू गॉट इट। उसके बाद हम फोर्टीनथ पार्ट और देख लेते हैं इसका। तो ये फोर्टीन पार्ट में क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर, थ्री का वन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर, ऐसा पैटर्न हम पहले भी देख चुके हैं। तो वन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर और सेवन का स्क्वायर। तो वन के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वन स्क्वायर, वन इंटू में वन, दैट इज़ वन। वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन। ऐसी थ्री का स्क्वायर नाइन लिख सकते हैं, फाइव के स्क्वायर को ट्वेंटी फाइव और सेवन के स्क्वायर को फोर्टी नाइन। आई होप ये बात आपको पता होगी। तो जब हम डी निकालने गए ए पी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए होता है, यानी नाइन माइनस वन, तो ये आ गया हमारा एट। और जब हमने इन दोनों के बीच का यानी ए थ्री माइनस ए टू किया तो ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन, दैट इज़ सिक्सटीन। तो ये दोनों बिल्कुल डिफर है, यानी डी इनका सेम नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, इट इज़ नॉट एन ए पी। अब इसका लास्ट पार्ट हमारे सामने है, फिफ्टीन पार्ट। तो फिफ्टीन पार्ट और देख लेते हैं हम। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का। तो ये बोल रहा है कि वन का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर एंड सेवेंटी थ्री का स्क्वायर। तो ये देख लेते हैं हम, वन का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर एंड आखिरी टर्म सेवेंटी थ्री दिए। इस तरीके से कोई सीक्वेंस दिया है। तो अगेन वन के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन क्रॉस वन, दैट इज़ वन वन। ऐसी फाइव के स्क्वायर को फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, ऐसी इसको फोर्टी नाइन और ये तो हमारा सेवेंटी थ्री है ही। तो इसमें से हमें क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये ए पी है या नहीं। और ए पी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डी निकालना पड़ता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ट्वेंटी फाइव माइनस वन किया मैंने तो मेरा आया ट्वेंटी फोर। ऐसे जब मैंने इधर जज किया, फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव, तो इन दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो अगेन इट इज़ ट्वेंटी फोर। तो यानी कि इसका सारवंतर और इसका सारवंतर दोनों सेम है। तो ये हमारी ए पी हुई, तो इट इज़ एन ए पी। अब मुझे क्या करना पड़ता है उसके बाद, इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। तो ए फाइव निकालने के लिए ए प्लस फोर डी करूँगा मैं। तो ए की वैल्यू ये हमारा क्या होगा, ए होगा और डी हमारा ट्वेंटी फोर है। तो अब हम
निकाल लेते हैं, ए कितना है हमारा 1 प्लस 4 और डी कितना है हमारा 24। अब 1 प्लस 4 को 24 से बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा 96। 1 प्लस 96 हमारा कितना हो गया 97। तो ये हमारा ए 5 निकल गया। उसके बाद देख लेते हैं ए 6। ए 6 कैसे निकलेगा हमारा, ए प्लस 5 डी। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1 प्लस 5 इंटू में डी, और डी कितना है हमारा 24। तो 1 प्लस 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, क्लियर है। और 1 प्लस 120 हमारा 121 हो गया। तो ये हमारा ए 6 निकल चुका है। ए 6 निकालने के बाद हमें निकालना है इसका ए 7, और ए 7 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 6 डी, और ए की वैल्यू हमारी अगेन 1 है, प्लस 6 इंटू में, और डी की वैल्यू 24 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 24 से, तो 24 चौक 144 प्लस 1, तो 1 प्लस 144 दैट इज़ 145। तो अगेन हमारी तीन टर्म कौन सी आ गई, नेक्स्ट थ्री टर्म्स 97, 121 और 145। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच।